वेलकम टू नीनूज किचन। आज मैं आपको एक नई सब्जी बना के दिखाऊंगी। अक्सर आप लोगों ने वीट रूट को सैलड में यूज किया होगा, मगर मैं इनको इसकी सब्जी बनाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं आप, और बहुत ही बेसिक मसालों से मैं इसको बनाऊंगी। इधर मैंने ये अदरक, प्याज और लहसुन का पेस्ट पीस लिया है। इधर मैंने टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं। बस इसमें जो टमाटर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रखनी है हमें। यहाँ मैंने दो ही ये छोटे छोटे बीट रूट लिए हैं, यानी कि चुकंदर, और इधर मैंने ये चार पांच टमाटर कद्दूकस किए हैं। इसमें हमें टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अब हम इसमें एक चम्मच ऑयल डालूंगी मैं कुकर में, और इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। इसको चला चला के हमें बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी सा ना हो जाए। इस तरह से हमें भूनते रहना है, क्योंकि इस तरह से बहुत कम हो जाते हैं क्वांटिटी में। और अब मैं इसमें कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसी में मैं डालूंगी ये प्याज और लहसुन का पेस्ट, और इसी में मैं अपने बेसिक मसाले जैसे सूखा धनिया पिसा हुआ एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और लाल मिर्च आधा चम्मच से भी कम, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इस सब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा तभी हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। देख सकते हैं आप ये कितना अच्छा सा मसाला भून गया है हमारा। इसी में मैं टमाटर ऐड कर दूंगी ये अपने, और इसको फिर चलाते हुए हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी चुकंदर, और इसको चलाएंगे 2 मिनट तक अच्छे से। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। इसको थोड़ा लिक्विडी बनाना होता है हमें, बहुत हेल्दी सब्जी होती है ये। इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ आप खा सकते हैं, और थोड़ा लिक्विड करना होता है इसे पतला। और एक पिसिल लगाएंगे और ये सब्जी तैयार हो जाएगी हमारी। सब्जी चुकंदर की जो मैंने बताई थी आपको, बीटरूट की, और गरम गरम फुलके के साथ इसको सर्व करिए। बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी, आप ट्राई करें एक बार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे लिखना कि आप में से कौन इस सब्जी को जानता है इसके बारे में। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, और फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।